हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, अक्सर लड़कियां गोरा होने के चक्कर में महंगी क्रीम का यूज करके अपने चेहरे का नाश कर लेती हैं, जिससे उनकी स्किन डल व ब्लैक ब्लैक हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको घर पर ही स्किन व्हाइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम बनानी बताऊंगी, जो कोरिया एंड जापान में यूज की जाती है स्किन को गोरा बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इस क्रीम के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपकी स्किन टोन को लाइटन करेगी, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिमूव करेगी, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को खत्म करेगी, यानी स्किन को क्लीन एंड फेयर बनाकर ग्लोइंग यंग एंड यूथफुल बनाएगी। तो चलिए इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस क्रीम को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा हाफ कप राइस, यानी चावल। चावल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ विटामिन बी सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन कर व्हाइटन बनाता है, एजिंग साइन एंड रिंकल्स को रिमूव करता है और स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने का काम करता है। तो चावल को आपने अच्छे से वॉश करना है ताकि इस पर लगी धूल मिट्टी रिमूव हो जाए। तो चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद आप 1 से 1.5 गिलास पानी में धुले हुए चावल को डालकर इसे तब तक पकाइए जब तक चावल पूरी तरह से गलकर इस तरह से ना हो जाए। तो चावल को कम्प्लीटली पक जाने के बाद आप इसे इस तरह से मैश करके किसी छलनी की हेल्प से छानकर इसके लिक्विड को अलग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्रीमी लिक्विड हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी मकई का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप मैदा ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, मैं यहाँ पतंजलि एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल, यानी बादाम का तेल। बादाम का तेल स्किन को टाइट, यूथफुल और चमकदार बनाने के लिए बहुत ही यूथफुल है। तो फाइनली आपको इसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपकी स्किन व्हाइटनिंग प्लस एंटी एजिंग क्रीम बनकर तैयार है। अब आप इसे किसी खाली कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप इस क्रीम को 10 टू 15 डेज तक आसानी से यूज कर पाए। फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को डे नाइट किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। तो डेली आप इसे अपने साफ चेहरे व गर्दन पर अप्लाई करके तब तक मसाज कीजिए जब तक ये आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। और जब ये क्रीम स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर 10 मिनट बाद अपनी स्किन को सादे पानी से वॉश कर सकते हैं। तो गाइज, आप इस क्रीम को डेली 2 टाइम यूज करें, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन लाइटन एंड फेयर होकर चेहरा स्पॉटलेस ग्लोइंग हो जाएगा। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।